अच्छा तो यार समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमारी वीडियो काइनमास्ट में इंपोर्ट करते हैं और अब हम लोग चाहते हैं कि हम इस वीडियो को मिरर कर लें। बेसिकली मिरर के अंदर सीन ये होता है कि अगर वही बंदा वीडियो के अंदर राइट साइड से ऐड हो रहा है तो वो देन मिरर करने के बाद लेफ्ट साइड से एंटर होगा, और अगर वीडियो के अंदर कोई चीज़ नीचे से आ रही है यार देन हम उसको मिरर करके उसको ऊपर से वीडियो के अंदर एंटर कर लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम काइन मास्टर के अंदर मिरर का जो टूल है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे काइन मास्टर की तरफ। ओके सो गाइस, हमने यहाँ पर हमारी वीडियो को काइन मास्टर में इंपोर्ट कर लिया। हमारी वीडियो को काइन मास्टर में इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर राइट साइड से एंटर हो रहा हूँ। देन अब हम इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ रोटेट एंड मिररिंग में चले जाएंगे। मिररिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको मिरर का ऑप्शन नजर आ रहा है। एंड देन हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड अब आप लोग देख ले, मैं वीडियो के अंदर लेफ्ट साइड से इंटर हो रहा हूँ। एंड देन जो सेकंड ऑप्शन है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल 180 डिग्री टिल्ट हो चुकी है, मिरर हो चुकी है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से हमारे काइन मास्टर के अंदर जो मिरर का ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग काइन मास्टर के रिलेटेड कोई और चीज सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो होप सो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो घंटे का निशान है उसे भी दबा लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।